हेलो हेलो। देखिए ये मैं मीशो से बच्चों की कहानियों की किताब मंगवाई हूँ, जो कि इस तरह से मुझे मीशो से मिली है। इसमें चार बुक्स है और आज मैं इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाने वाली हूँ। ये मैं मंगवाई हूँ अपने बच्चों के लिए। ये मेरी बेटी है जो कि 4 साल की होने वाली है 3 नवंबर को, और मेरा बेटा है जो कि अभी 8 साल का है। तो उसके लिए मैं ये कहानी की बुक्स लाई हूँ ताकि वो खुद भी पढ़े और मैं भी उसको पढ़ के सुना सकूँ, क्योंकि कभी कभी जब वो कहानियाँ पूछते हैं तो हमें याद नहीं होती है। तो आप मीशो से मंगा सकते हैं, लेकिन सबसे पहले मेरी अनबॉक्सिंग देख लीजिए कि अच्छी आई भी है या फिर बस यूं ही। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। ये देखिए, यही है। निकालो। ये निकल गया मैं। तो ये इस तरह से पैक होकर आई है, और ये इस तरह से है पशु पक्षियों की रोचक कहानियाँ। पशु पक्षियों की रोचक कहानियाँ ये किधर से पैक हुई है? हाँ, यहाँ पे इस तरह से प्लास्टिक में पैक होकर आई है। इसमें चार बुक्स हैं। ये देखिए, ये चार बुक्स है। तो सबसे पहले है पशु पक्षियों की रोचक कहानियाँ, दूसरा है पशु पक्षियों की मनोहर कहानियाँ, तीसरा है पशु पक्षियों की मनपसंद कहानियाँ, और उसके बाद जो 4 नंबर में किताब है वो है पशु पक्षियों की प्रसिद्ध कहानियाँ। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के 4 बुक्स हैं। और देखिए ये चारों बुक्स की क्वालिटी कैसी है, यहाँ देखिए। यहाँ पे और भी इनकी बुक्स है जो कि यहाँ पे अवेलेबल दिखाई दे रही है, आप देख लीजिए। और हाँ, पढ़ेंगे। जैसे कि इसमें है ना, इसमें दिया हुआ है प्रसिद्ध पंचतंत्र की कहानियाँ, मनपसंद पंचतंत्र कथाएं, रोचक पंचतंत्र कथाएं, मतलब इस तरह से बहुत सारी पशु पक्षियों की मनपसंद कहानियाँ, दादा जी की मनोहर कहानियाँ, दादी माँ की प्रसिद्ध कहानियाँ, तेनालीराम की प्रसिद्ध कहानियाँ, इस तरह से बहुत सारी है जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। और मैं आपको कुछ पेजेस दिखाती हूँ। तो ये देखिए, इधर आओ। ये अभी से पढ़ लो। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है इस तरह से, जो जो यहाँ पे आपको कहानियाँ मिल रही है, जैसे चीता और कठफोड़वा की कहानी, बकरी और गधा की कहानी इसमें लिखा हुआ है देखिए, और लोमड़ी और मछलियाँ, और नारियल के पेड़ पर मस्ती, दो बैल और सुअर, चालाक लोमड़ी, इस तरह से यहाँ पे कहानी का शीर्षक दिया हुआ है, मतलब आपको इसके अंदर क्या मिलता है। तो इतनी ही कहानियाँ हैं इसमें, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कहानी है, और 7 कहानी है? ये दिया हुआ है, वहां से पूछो क्या है। ये तो क्या इस तरह है? से पेजेस हैं, देखिए इस तरह से दिखाइए, काफी अच्छा है, मुझे तो अच्छा लग रहा है, कलरफुल, बच्चों को काफी ज्यादा अच्छी लगती है। तो ये है, और ये तो रोचक कहानियाँ हैं, और इसमें प्रसिद्ध कहानियाँ, तो इसमें क्या क्या प्रसिद्ध है इसमें मैं आपको दिखाती हूँ। मेढक का नया घर, सिंकू की बुरी आदत, चूहे और नेवले की लड़ाई, फिर बत्तख माँ की चेतावनी, ड्रैगन की दावत, बिल और डकी, बदसूरत कुत्ता, तो ये भी है इसके अंदर सारी कहानियाँ। सिंकू की बुरी आदत, बच्चे इसे काफ़ी कुछ सीखते हैं, तो आप इस तरह से स्टोरी की बुक्स ले सकते हैं। मुझे कहानी की किताबें पढ़ना बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। ये देखिए यहाँ, ड्रैगन की दावत, कितना अच्छा है, देख के भी बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। तो ये मैं अपने बच्चों के लिए मंगवाई हूँ। और देखनी है थी, और देखते दो, देखिए। और यहाँ पे है, यहाँ पे मनोहर कहानियाँ, इसी तरह से मतलब सारा कुछ है। तो आप लोग भी इसको खरीदे। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के 4 बुक्स हैं, दे दो। दे दिया। तो 4 बुक्स हैं मेरे पास ये इस तरह से, और आप इसको ले सकते हैं मीशो से। कोड और कोड नंबर या फिर लिंक जो होगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह की और भी वीडियोस को देखने के लिए। ये वाला अगर अच्छा लगेगा ना तो आप लोग ज़रूर खरीदिएगा, और जैसा होगा इसके बारे में मैं बताऊंगी कि ये मतलब बच्चे लोग को कितना इंटरेस्ट लगा, क्योंकि अभी तो मैं खरीदी ही हूँ, और बाकी इसको कैसा लगता है और मेरे बेटे को कैसा लगता है ये मैं आपको बाद में बताऊँगी। और इसकी बैक वीडियो भी मैं आपको लेकर आऊँगी, अगर आपको इस तरह से समझ में नहीं आ रही हो बैक कैमरे में तो। देखिए, चलिए फ्रेंड्स, बाय 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 बाय।